हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आज मैं इन बेकार फैब्रिक के पीस से मैंने बनाया है अपने किचन के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर डीआईवाई, वही वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसमें मेरे एक भी पैसे खर्च नहीं हुए हैं और किचन के लिए ज़रूरी चीज़ें बनकर तैयार हुई हैं, वो भी फ्री में। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी हैंड टॉवल अपने किचन के लिए और सिंक के लिए। उसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और मैं कतरन से बना रही हूँ, तो छोटे बड़े पीस सभी का मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जॉइंट होगा तो मैं उसको भी अच्छे से बिछा ले रही हूँ। डबल फोल्ड करके मैंने इसे बिछा लिया है और बिछाने के बाद इसकी लंबाई मैंने ली है 11 इंच। मैं इसको मार्क कर रही हूँ और 17 इंच इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ। इतना मैं मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद इसकी मैं इसे कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में ये कॉटन की हैंड टॉवल ज़रूर बनाइएगा और ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है, क्योंकि किचन में हम लोग को परमानेंट काम होता है और सिंक में भी गीली बनी रहती है। तो जो टॉवल हमारे पास होती है ना, वो गीली बनी रहती है, जल्दी ड्राई नहीं होती है और अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो ये कॉटन का जब हम बना लेंगे तो इसे बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है और बहुत ही आराम रहता है और फ्री में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसे कटिंग कर लिया और एक छोटा सा पीस मैं 8 इंच चौड़ा, 8 इंच इसकी लंबाई दोनों मैं ले रही हूँ, स्क्वायर में मैं कट कर ले रही हूँ। और कट करने के बाद एक पतली सी पट्टी भी मैंने इसे कट कर ले रही हूँ 2.5 इंच की। तो ये देखिए, मैंने इसे कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद अब मैं ले रही हूँ दूसरा फैब्रिक, उसकी भी मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए जो बैक साइड का जो फैब्रिक है वो इतना नहीं है इसमें, तो उसका मैं दूसरे कलर का मैं ले रही हूँ। तो बराबर मैं इसी तरह उसको भी कट कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो आप इंच, जो 17 इंच मैंने ली है, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। ये आप अपने पसंद चॉइस के हिसाब से ले लीजिए, छोटा बड़ा जैसे आपको बनाना आप उस तरह ले लीजिए। तो ये देखिए, बैक साइड का भी मैं इसे कटिंग कर ले रही हूँ। अब मैं इसे डबल फोल्ड कर ले रही हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद इस वाले टॉवल को मैं नीचे से ये राउंड शेप दूंगी, तो इसके लिए मैंने इसे राउंड कटिंग में कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसकी जो ऊपर साइड की जो पट्टी लगाऊंगी उसकी भी मैं कटिंग कर ले रही हूँ पहले वाले फैब्रिक को रखकर। ये देखिए, इसको भी मैं कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं दूसरा फैब्रिक ले रही हूँ, इसको 5x5 स्क्वायर में इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये भी मेरा रेडी हो गया है फ्रेंड। अब इसकी पट्टी भी एक निकाल लूँगी। तो चलिए, अब सिलाई की बारी है। अब इसमें सब में सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है इस तरह। और ये देखिए, नीचे वाला पल्ला जो है वो सीधा रखना है और जो ऊपर वाला जो फैब्रिक इस पर बिछाएंगे इसको उल्टा रखना है। और इसके तीनों साइडों में मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसे को पलट ले रही हूँ। अब पलटने के बाद तीनों साइडों में जहाँ सिलाई लगाई थी ना, इसके ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे तो ये बैठ जाएगा। ये देखिए, अब इसमें भी ऊपर से मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं ले रही हूँ ये पट्टी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 8 इंच है, तो इसको एक साइड में मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद फिर इसको डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद इसके दोनों साइडों में सिलाई लगा लूँगी और जिधर सिलाई मैंने अभी लगाई है इसको ओपन रखेंगे, बाकी में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी पट्टी सिल ली है। इसको हैंग करने के लिए लगाना होगा ना, तो इसको सिलाई करते समय ही इसको अंदर, देखिए डबल फोल्ड करके इसको मैं लगा दे रही हूँ। और लगाने के बाद इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब इसको करूँगी सीधा। सीधा करने के बाद ये देखिए, हैंग करने के लिए हो गया तैयार। ये देखिए, अब इसमें चाहे तो किनारे किनारे लैस भी लगा सकते हैं, से किनारे किनारे साइड में, तो और भी अच्छा लगेगा। अब इसको मैं चारों तरफ सिलाई लगा ले रही हूँ इसमें के बाद, इसे बीच में मैं करूँगी कट। और कट करने के बाद इसको अंदर से जो फैब्रिक को खींच कर इसको सीधा कर लूँगी मैं। अगर आप चाहें तो बीच में ना कट करके एक किनारे साइड में थोड़ा सा भी खुला छोड़ देंगे तो वहाँ से इसको पलट सकते हैं आप। तो अब इस तरह मैं इसको पलट ले रही हूँ। सीधा करने के बाद मैं कर लूँगी इसमें प्रेस। ये देखिए, मैंने इसमें भी प्लेटें डाल ली हैं। तो प्लेटें इस तरह लगानी है कि जो ऊपर का पार्ट मैंने तैयार कर किया है ना, उसी हिसाब से प्लेटें इसमें डालनी है। तो ये देखिए, इस तरह प्लेट डाल के इसमें आप सिलाई लगा लेंगे। तो उससे पहले अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें करके सिलाई लगा लीजिए, अगर आप चाहें तो अलग से पहले प्लेटें डाल के उसमें सिलाई लगा लीजिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको अलग से प्लेटें पहले डाल ले रही हूँ
और डालने के बाद मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। और जो ऊपर का पार्ट मैंने तैयार किया है उसको मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि चौकोर रहेगा, लेकिन अब मैं राउंड में कर रही हूँ। तो राउंड शेप में कट करके मैंने सिलाई लगा ली है, और लगाने पर देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब जो मैंने सिलाई जो ऊपर वाले पार्ट का किया था ना, तो अब उसको मैं इसके अंदर मैं फिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं कर दूँगी सिलाई, ये देखिए मैं सब सिलाई लगा ले रही हूँ इसमें। अब मेरा हैंड टॉवल बनकर रेडी हो गया है। अब ये छोटा सा मैं बना रही हूँ बो, उसको डेकोर करने के लिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो उसमें लेस लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, छोटा सा कोई बटन लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। तो मैंने ये बो बना लिया है, अब इसको उसमें स्टिक कर देंगे सुई धागे से। यहाँ पर मैं इसको स्टिक कर दूँगी सुई धागे से, मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा हैंड टॉवल बनकर रेडी हो गया है। अब इसी तरह मैंने देखिए दूसरा भी मैंने रेडी कर लिया है, और इसमें अभी कुछ भी नहीं लगाया है। अगर तो थोड़ा मुझे सोना सोना लग रहा था, तो पहले मैंने सोचा कि उसमें मैं लेस लगा दूंगी, लेकिन फिर मैं लगा उसमें वो लगा दिया है। ये देखिए छोटा सा तैयार करके मैंने इसमें भी लगा दिया है, और देखिए दोनों मेरे रेडी हो गए। आपको मेरे हैंड टॉवल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बारिश के मौसम में 3-4 बना लीजिए, और बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाता है। आज मैं बनाऊंगी इस पिलो का कवर बहुत ही आसान तरीके से, और बहुत ही जल्दी बनने वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड। तो ये देखिए डबल फोल्ड मैंने फैब्रिक कर लिया है, और इस पिलो को मैंने इस तरह रखा है, सो घुमा राउंड राउंड कर दिया है। अब बस इसके यहाँ पे मार्क करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और बहुत ही जल्दी बनने वाला है फ्रेंड, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब मैं ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं इसके दोनों साइडों में जैसे नारा डालते हैं ना, उस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। और देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, लगाने के बाद अब इसको डबल मैं फोल्ड करके तो एक साइड में मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए एक साइड ओपन है ना, तो इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। और लगाने के बाद ये देखिए मैंने पतली पतली दो पट्टियाँ मैं कट कर रही हूँ, इसमें भी मैं सिलाई लगा लूँगी, इसको एक तरह का नारा मैं बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, और उसमें सिलाई भी मैंने लगा ली है। लगाने के बाद अब जैसे कमरबंद डालते हैं ना, तो अब दोनों साइडों में इसको मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए दोनों साइडों में मैंने डोरियाँ डाल दी हैं। डालने के बाद अब एक साइड को मैं पलट ले रही हूँ, पलटने के बाद उल्टा करके इसमें अच्छे से मैं गांठ लगा दे रही हूँ। अब मैं इसको कर लूँगी सीधा, सीधा करने के बाद अब मेरा ये पिलो कवर बनकर रेडी हो गया है। बस 2 मिनट में बनकर ये पिलो कवर मेरा रेडी हो गया है फ्रेंड। और देखिए छोटे छोटे टुकड़ों को दो पीस को मैंने जोड़कर इसको बना लिया है। जब भी आपको जल्दी कोई चीज़ बनाना हो और टाइम कम हो आपके पास, तो फटाफट इस तरह अपना कवर बनाइए, और छोटे छोटे जो पीस हमारे पास बच जाते हैं उसका अच्छा सा रीयूज़ भी हो जाता है। तो देखिए एक पिलो कवर बनकर रेडी हो गया बेकार फैब्रिक से। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मैं इस तरह बचपन में बहुत ही से पिलो कवर मैं इसी तरह बनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी इस तरह बहुत बनाया करती थी, और बहुत ही जल्दी बनता था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इस तरह। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा DIY, वो भी बहुत काम का है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे 2 पीस लिए हैं, ये टुकड़े इतने ही मेरे पास बचे हैं, और एक ये पीस लिया है मैंने। तो और उसको बनाने के लिए मैंने फॉर्म लिया है, ये फॉर्म शीट वो है जो सूट भी निकलती है ना फॉर्म, तो वही फॉर्म शीट है। तो इसको मैंने कट कर लिया है, जितना आपको बड़ा छोटा चाहिए उस तरह आप कट कर लीजिए। तो ये देखिए आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है ये फॉर्म शीट, इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद जितना मैंने फॉर्म कट किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं फैब्रिक को भी कट कर ले रही हूँ। तो दोनों को मैं बिछा कर उसी तरह बस 1/2 इंच चारों तरफ से बढ़ाकर मैं इसे कट करूँगी, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा ना, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा बढ़ाकर ही कट करूँगी। तो दोनों फैब्रिक को नीचे वाला और ऊपर वाला मैं उस तरह कट करूँगी। अगर आपको ज़्यादा मोटा चाहिए फैब्रिक, तो आप उसी फैब्रिक को डबल कर सकते हैं, अंदर के अंदर और भी टुकड़ों में भी बिछा सकते हैं इसको। तो ये मोटा फैब्रिक है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने दोनों की मैं कटिंग कर ले रही हूँ इसी तरह। कटिंग करने के बाद फिर अब बारी आती है इसकी सिलाई करने की, तो चलिए पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं तीनों साइडों में इसकी सिलाई लगा लूँगी, तो इससे ये होगा ना कि फॉर्म के ऊपर सिलाई चलानी नहीं पड़ेगी। तो तीनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए अब इसके अंदर इस फॉर्म को मैं रख दूँगी। तो
तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि फॉर्म पे सिलाई चलानी भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और इसके अंदर मैं फॉर्म फिक्स कर दे रही हूँ। अब एक साइड में सबसे लास्ट में एक साइड एक सिलाई बचेगी, तो उसको फोल्ड करके वहाँ पर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, सिलाई बीच बीच में सिलाई लगा लूँगी 3-3 इंच छोड़कर, तो ये अच्छे से सिलाई फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स होने के बाद अब बारी आती है कि इसे कॉर्नर पे इसे पट्टियाँ मैं लगा लूँगी, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसमें लेस लगा लीजिए, तो उस 2-2 इंच की मैं पट्टियाँ कट करूँगी। पट्टी कट करने के बाद इसके चारों साइडों में मैं पट्टियाँ लगा दूँगी। ये भी मेरा रेडी हो गया है फ्रेंड्स। इस पर जो है जिसे गर्म बाउल रखते हैं हम लोग खाना खाते हैं, तो दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे किचन में कहीं पर भी तो गर्म बाउल रखते हैं ना, तो उससे जो शीट ख़राब हो जाती है तो उसके लिए है ये। तो आप कोई भी चीज़ पे रख सकते हैं, और ग्लास वगैरह धोते हैं, कोई भी चीज़ पानी रहता है उसको पलट के रखते हैं तो 2-4 बूंद पानी निकलता है, तो उसको भी आप आराम से इस पर रख सकते हैं, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कोई भी गर्म बाउल हो तो शीट नहीं ख़राब होगी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये DIY है। श्योर आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट DIY जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और किचन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम कहीं ना कहीं गर्म बर्तन पकड़ने के लिए, बाउल को पकड़ने के लिए फैब्रिक का यूज़ करते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ पॉट होल्डर। तो उसी पॉट होल्डर को एक डिज़ाइनर बनाएंगे, डिज़ाइनदार बनाएंगे ना, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। वैसे तो सभी लोग यूज़ करते हैं किसी ना किसी तरीके से, बस उसको एक डिज़ाइन दे देंगे तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, और जो देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा, खुद को भी किचन भी एक मेंटेन किचन भी लगेगा। तो चलिए देखिए फटाफट मैंने इसको स्क्वायर में कट कर लिया है, छोटा बड़ा जैसे आप चाहें उसको कट कर लीजिए। और मैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो उसमें फॉर्म रख दीजिए, मैं फॉर्म नहीं रख रही हूँ, ये छोटे छोटे कतरन जो मेरे पास बचे हुए हैं ना तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा इससे थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, तो इसको मैं रख रही हूँ। और इसको मैंने डबल फैब्रिक कट कर लिया है और इसके ऊपर मैं रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले तो मैं जितने कतरन को मैं इकट्ठा करके मैं सिलाई लगा ले रही हूँ, उसके बाद इस दोनों फैब्रिक को आगे पीछे रख कर मैं सिलाई लगा लूँगी। और इसके बाद देखिए बीच बीच में मैंने सिलाई लगा ली है, और ये देखिए सिलाई में लग कर मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको ट्रायंगल शेप में मैं इसे कर रही हूँ फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इसको मैं बीच से कट कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसे इसको काट लिया है। काटने के बाद अब इसमें लगानी होगी पाइपिंग किनारे किनारे साइड में, तो उसके लिए मैं पतली पतली पट्टियों को कट कर ले रही हूँ। है काटने के बाद अब इसमें लगानी है पाइपिंग, तो चलिए इसे पहले पाइपिंग लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें मैंने पाइपिंग लगा ली है, और लगाने के बाद ये देखिए छोटी सी पट्टी मैंने सिली है, इसको मैं अंदर करके इस तरह रखकर सिलाई लगा ले रही हूँ इसके ऊपर से। तो इस तरह ये मेरा छोटा सा पॉट होल्डर बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह मैं दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखने में कैसा लग रहा है। देखिए मेरे दोनों ही पीस तैयार हो गए हैं, और देखिए हैंग करने वाला भी लगा दिया है इसमें। अब कहीं पर भी आप इसको हैंग कर सकते हैं और आसानी से इसको उठा सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा पॉट होल्डर बनकर मेरा रेडी हो गया, कितना खूबसूरत भी लग रहा है। और इसी तरह और भी मैं 2-3 तरह के मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सारे मैं कतरन का यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई फॉर्म का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पास बेकार फैब्रिक रखी हुई है बस उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए 4-5 पीस मैं बनाऊंगी अलग अलग तरीके से। मैंने नीचे का पार्ट अलग लिया है अलग कलर का, दूसरा ऊपर वाला प्रिंट लिया है। अब इसमें मैंने बीच में सिलाई लगा ली है, और लगाने के बाद इसको डबल सिलाई लगाई है और उसके बीचों बीच से मैं कट कर रही हूँ, तो ये अलग अलग पार्ट हो जाएगा। ये देखिए खोलने पर एक प्रिंट है और एक प्लेन है, तो इस तरह भी पॉट होल्डर बनाएंगे ना तो ये भी देखने में अच्छा लगता है। और भी कलर के आप जिस तरह आप चाहें उस तरह आप बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 पीस मैंने इस तरह तैयार किए हैं, और 2-3 पीस मैंने प्लेन रखे हैं, और पतली पतली पट्टियों को मैं कट कर ले रही हूँ पाइपिंग लगाने के लिए। और सब में मैं बीचों बीच में कतरन का यूज़ कर रही हूँ, उसके अंदर रख के चारों तरफ मैं सिलाई लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद इसमें लगाऊँगी
पाइपिंग, चारों तरफ मैं पाइपिंग लगा लूँगी। ये देखिए ये पीस मेरा रेडी हो गया है और दूसरे पीस भी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है सब में, और अब इसमें लगानी है पाइपिंग, उसको भी लगाकर मैं रेडी कर ले रही हूँ। ये देखिए ये भी मेरा रेडी हो गया, पाइपिंग लगा ली है और हैंग करने के लिए भी इसको लगा लिया है। और देखिए फ्रेंड्स ये पॉट होल्डर बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको किचन में आप यूज़ करेंगे ना तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा और जो कोई दूसरा देखेगा उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये और ये देखिए दूसरा वाला जो पॉट होल्डर मैंने बनाया है इसको देखिए इस तरह बाउल में पकड़ के आपको दिखा रही हूँ, और देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में। अब आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और जब आपको यूज़ करना हो तो आप निकाल के यूज़ करिए और फिर इसको हैंग कर दीजिए। तो है ना सुंदर DIY। मम्मा का लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा मेरे DIY, मेरे मम्मा के DIY कैसे लगे फ्रेंड्स, वो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़।